घोसी विधानसभा उपचुनाव में पल पल अपडेट हो रहा है ताजा मामला। सपा नेता शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर करारा हमला किया, कहा कि स्वास्थ्य विभाग को वेंटिलेटर पर ला दिया गया है, उनको कोई काम तो है नहीं, वह अनर्गल प्रलाप करते हैं। और वह यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह पर अनर्गल बयानबाजी करते हुए मुकदमा दर्ज करने की बात किया है। प्रशासन के दबाव में यहां पर लाल और पीले कार्ड बांटे गए हैं, जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, उनको भी पीले और लाल कार्ड दिए गए हैं। इनकी मंशा थी कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में 10,000 लोगों को लाल और पीले कार्ड बनाए जाएं, इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। शिवपाल यादव ने कहा कि घोसी कोतवाली और कोपागंज थाना क्षेत्र में यह कार्ड बांटे गए हैं। घोसी में 400 कार्ड बांटे गए, कोपागंज में 300 कार्ड बांटे गए। बीजेपी के लोग चाहे जो भी कर लें, यहाँ पर समाजवादी पार्टी भारी मतों से चुनाव जीत रही है। देखिए, जहाँ जहाँ लाल पर्ची और पीली कार्ड जहाँ जहाँ इन्होंने बांटा है, एक तो गोपालगंज थाने में और घोसी थाने में ये बांटे गए हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के बांटे गए हैं जिसके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं। तो सीधी सीधी इस तरीके से जो यहाँ का थाना अध्यक्ष घोसी का और गोपालगंज के थाना अध्यक्ष ने काम किया है, तो हम वहीं जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हम वरिष्ठ अधिकारियों से बात भी कर चुके हैं। उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि निष्पक्ष होगा, और उन्होंने उनसे निर्देश भी दे दिए। समाजवादी पार्टी को डराया जा रहा है इस कार्ड से? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आप घबराए हुए हैं, ये चुनाव सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर के पक्ष में हो गया है, और बड़ी जीत होने जा रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। इसीलिए ये कार्ड थाना अध्यक्ष के द्वारा और ये सब ये कुछ अधिकारी हैं, लेकिन ये हम लोग लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, इसका विरोध करेंगे और कर रहे हैं। सपा प्रत्याशी के बेटे के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया डिप्टी सीएम की शिकायत पर। तो देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठी शिकायतें कर रहे हैं, अब इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो झूठी शिकायतें करो। अच्छा, लाल कार्ड देख लो, पीला कार्ड देख लो, एक भी मुकदमा नहीं, और इनका प्लान था 10,000 कार्ड, लेकिन हम इसे रोकेंगे, वहीं जा रहे हैं। कितना जारी हुआ है सर, जानकारी लगी आपको? जी, कितना जानकारी लगी, कितना जारी हुआ? यहाँ करीब 400 घोसी थाने में, और 300 की अभी जानकारी लगी थी मुझे गोपागंज, 700 की अभी, 10,000 की प्लानिंग थी इनकी। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ रह करके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेकर के जो ब्रजेश पाठक हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं। विभागों को तो इन्होंने देखिए वेंटिलेटर पर ला दिया स्वास्थ्य विभाग, अब केवल का समाजवादी पार्टी का कैसे प्रभावित करें वोट। अब यहाँ रह करके पैसा भी होटलों में बांटा है, यहाँ से लेकर के आजमगढ़ तक होटलों में, हमारे पास सबूत भी है, इनके सबूत भी हैं, हम भी आयोग में इनकी शिकायत करने जा रहे हैं, हमारे लोग भी शिकायत करेंगे। आपका एक डेलीगेशन मिला है जाकर पर्यवेक्षक से, पुलिस से शिकायत कर दी? हाँ, शिकायत करी है, हम लिखित शिकायत करी है, आयोग को भी करी है, पर्यवेक्षक को भी करी है, लखनऊ में भी शिकायत करी है। तो हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, हम लोग इसका विरोध किया जाएगा, इसका डट करके विरोध करेंगे। ठीक है। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 67 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।